सो सबसे पहले हमें यहाँ पे चाहिए एक MDF बोर्ड। तो MDF मैंने यहाँ पे 12 इंच का रखा है बिकॉज मुझे 12 इंच की क्लॉक बनानी है। सो मैंने यहाँ पे MDF 12 इंच का रखा है और 5 mm इसकी थिकनेस है। और सबसे पहला स्टेप हम करेंगे बेस को प्रिपेयर करेंगे। तो बेस को प्रिपेयर करने के लिए मैंने यहाँ पे जैसो का यूज़ किया है। अगर आपके पास जैसो नहीं है तो होममेड जैसो कैसे बनाना है उसका भी वीडियो मैंने ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे शेयर किया हुआ है। मैं यहाँ पे उसकी आई बटन में लिंक दे दूँगी और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, आप चाहो तो बाद में चेक कर सकते हो। जैसो को अच्छे से इवनली आपको स्प्रेड करना है और कम्प्लीटली उसको ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। अभी विंटर सीज़न चल रहा है तो ड्राई होने में थोड़ा टाइम लेगा, बट आपको कम्प्लीटली ड्राई नहीं हो जाता तब तक हम नेक्स्ट स्टेप पर नहीं जा सकते हैं, ठीक है। इसलिए हमें इसको कम्प्लीटली ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। ओके, तो मेरा बेस जो जैसो का मैंने लेयर अप्लाई किया था वो कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है। अभी नेक्स्ट स्टेप हम लेंगे, मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ वाशी टेप। तो वाशी टेप का यूज़ करके हम यहाँ पे एक पैटर्न ड्रॉ कर रहे हैं। अभी पैटर्न कैसे बनानी है तो यहाँ पे देखिए कि मैं वाशी टेप को स्टिक करती जा रही हूँ, यानी 3 स्ट्रिप्स मैं स्टिक कर रही हूँ एंड 1 स्ट्रिप मैं निकाल दे रही हूँ, यानी 2 स्ट्रिप के बीच में जो स्ट्रिप आएगी वो हमें निकालनी है। सो आप देख सकते हैं कि ये बेसिकली हम किस लिए उसको लगा रहे हैं। तो 1 by 1 हमें स्ट्रिप्स को स्टिक करते जाना है और दोनों के बीच वाली निकालते जाना है। वैसे पूरे बोर्ड के ऊपर मैंने अप्लाई कर दिया है और मैं यहाँ पे एक और कलर शेड बना रही हूँ जो बेबी पिंक जैसा कलर मैं बनके यहाँ पे रेडी करने वाली हूँ, जिसके लिए मैंने रेड एंड वाइट का कॉम्बिनेशन लिया है। जनरली गर्ल्स को पिंक कलर ज़्यादा पसंद होता है और मैं ये गिफ्ट एक हमारे रिलेटिव्स की डॉटर है उसके लिए बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे पिंक शेड का यूज़ किया है। और स्पॉन्ज की हेल्प से मैं यहाँ पे टैप टैप करते हुए सारे जो गैप्स हैं, हमारी टैप्स लगाई है, स्ट्रिप्स लगाई है, उसके बिटवीन वाला जो गैप्स है वो सारे मैं कलर से फिल कर लूँगी। अभी फिल करने के बाद मैं 1 by 1 स्ट्रिप्स को निकालती जाऊंगी। तो आप देख सकते हो ये सुंदर सा पैटर्न बनके रेडी हो गया है। ये देखिए, ये सारी टैप्स हमने रिमूव कर लिए हैं और ये प्यारी सी लाइनिंग वाली एक पैटर्न हमारी रेडी हो गई है। अभी इसको भी हम कम्प्लीटली ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। और मैंने यहाँ पे एक स्नो वाइट का पेपर प्रिंट ले लिया है और इस पेपर प्रिंट को मैं यहाँ पे बिटवीन में यानी सेंटर में ड्रेस करने वाली हूँ। तो ड्रेसिंग के लिए मैंने येल्लो कार्बन पेपर का यूज़ किया है। मैं यहाँ पे आपको एडवाइस दूंगी कि आप ब्लू कलर या ब्लैक कलर का कार्बन पेपर का यूज़ ना करें, बिकॉज वो जब भी हम ड्रेसिंग कर लेते हैं और कलर फिल करने जाते हैं तो वो अपनी जो इंक होता है वो छोड़ता है और वो हमारे कलर के साथ मर्ज हो जाता है और पूरा कलर हमारा बहुत ही गंदा सा लगता है। सो यहाँ पे आप येल्लो या वाइट कार्बन पेपर का ही यूज़ करें। मैंने यहाँ पे येल्लो कार्बन पेपर का यूज़ किया है। अभी नेक्स्ट क्या करना है हमें, जस्ट मैंने नीचे कार्बन पेपर रख दिया है और ऊपर पूरा मैं ये जो स्नो वाइट का पिक्चर है उसके अकॉर्डिंग मैं ट्रेस कर लूँगी और हमें इसकी आउटलाइंस मिल जाएगी। ये देखिए, मैंने ट्रेसिंग कर ली है और आपको कैमरे में दिखाई दे रहा होगा कि मैंने येल्लो कार्बन पेपर यूज़ किया है, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा डार्क नहीं है और बस हमको कलर फील करना है और हमें सारे उसके फीचर्स दिखाई दे रहे हैं उतना हमारा ट्रेसिंग पार्ट होना चाहिए। अभी 1 by 1 मैं स्नो वाइट के जो कलर्स कॉम्बिनेशन होते हैं फ्रॉक्स और फेस हेयर वगैरह के, वो सारे मैं यहाँ पे फील करती जाऊँगी।
सारे कलर्स मैंने यहाँ पे एक्रिलिक यूज़ किए हैं, आप चाहो तो यहाँ पे चॉक पेंट भी यूज़ कर सकते हो। सो वन बाय वन मैं यहाँ पे सारे कलर्स अकॉर्डिंगली फील करती जाऊँगी। मैंने यहाँ पे कलर को डिफरेंट तरीके से नहीं किया है, जो भी उसकी ओरिजिनल इमेज है और उसमें जो भी कलर कॉम्बिनेशन है वही कलर मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं। आप चाहो तो यहाँ पे डिफरेंट कलर का भी यूज़ कर सकते हो। सो ये देखिए मैंने सारे कलर्स फिल कर दिए हैं एंड आउटलाइनिंग भी दे दी है ब्लैक कलर से। अभी मैं यहाँ पे नंबर्स का लिए जस्ट डॉट ही लगा रही हूँ, बिकॉज हमें ना यहाँ पे स्नो वाइट को हाईलाइट करना है। सो मैंने नंबर के पीछे बहुत सारी मेहनत नहीं की है और इसको और भी प्रोटेक्शन देने के लिए और भी क्लासी लुक देने के लिए मैंने यहाँ पर रेजिन का यूज़ किया है। रेजिन कैसे मिक्स करना है वो सारा मैंने प्रीवियस वीडियो में डाला हुआ है, आप चाहो तो चेक कर सकते हो मेरी चैनल पे। और मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ पे रेजिन का एक कोट अप्लाई कर दिया है और उसको मैं 24 आवर्स के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ दूँगी। रेजिन को ड्राई होने में एटलीस्ट 24 तो लगते ही है, तो 24 आवर्स तक मैंने इसको ड्राई कर लिया है। और ड्राई होने के बाद ये देखिए पूरा एक ग्लास फिनिश आ गया है उसके ऊपर और काफ़ी अच्छे से हमारा पूरा वर्क ना प्रोटेक्ट हो गया है। और नेक्स्ट मैं यहाँ पे हमें क्लॉक फिटिंग करनी है, यानी क्लॉक का जो मशीन और उसके हैंड्स है वो फिट करने हैं। सो मैंने यहाँ पे गोल्डन हैंड्स का यूज़ किया है, आप चाहो तो ब्लैक हैंड्स का भी यूज़ कर सकते हो। क्लॉक हैंड्स एंड मशीन को कैसे फिट किया जाता है वो भी मैंने प्रीवियस वीडियो में काफ़ी टाइम दिखाया हुआ है। सो आई होप गाइस कि आपको ये वाला आइडिया, ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए आइडिया एंड नए DIY के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।